खरगोन जिले के भगियापुर में धर्मशाला पुताई के दौरान एक युवक 11 केवी बिजली लाइट की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल युवक के पिता रजाक ने बताया, उनका बेटा नवाज और दत्तू नाम का युवक गांव में बन रही धर्मशाला की पुताई कर रहे थे। इसी दौरान पुताई करते वक्त करंट की चपेट में आ गया। ऊंचाई से गिरने के कारण नवाज को गहरी चोट आई है। चिकित्सकों ने हालत खराब होने से इंदौर रेफर किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। घटना मतलब पुताई के दौरान घटना घटी है। मतलब दो जन पोत रहे थे, दत्तू और नवाज, कलाल समाज का भवन का भैयापुर में पोत रहे थे। ऊपर से मतलब ऐसा ऊपर करा तो करंट लग गया, मतलब पुताई के दौरान, जिसमें उसको फिर ब्लड नाक में से ब्लड आने लगा। ऊपर से गिरा, काफ़ी ऊंचाई से गिरा है वो, तो सर में भी थोड़ी चोट आई है। अभी उसकी आँखें भी जरा बहुत भारी हो गई है, दोनों सूजन आ गए हैं पेट में, और उसका ब्लड आज तक भर नहीं हो पा रहा है। मकान में काम कर रहे थे ये, सरकारी मकान मालवीय कलाल समाज का सरकारी भवन में, धर्मशाला मतलब इनके धर्मशाला में काम कर रहे थे। कब लगा है करंट? ये करंट अभी मैं तो घर पे था, आज ही मतलब आज ही लगा है करंट, कहीं ज़्यादा टाइम में नहीं हुआ है। क्या हालत है अभी? उसकी हालत तो सीरियस है। अच्छा, इंदौर रेफर किया। अब इसको अभी तो यहाँ थोड़ा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी यहाँ से क्या बोल रहे कि इंदौर ले जाना पड़ेगा, नहीं अभी तुम यहाँ देख लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजाक खान है और मेरे लड़के का नाम नवाज शरीफ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।